पुराने जो मोबाइल होते हैं ना, उनसे लिए। ये तो पंचर है भाई, ये देखो टायर फ्लैट पड़ा बिल्कुल। कितनी देर वेट करना पड़ा था बताओ, तेरी मम्मी के वैसे ले गए, तेरी मम्मी के इतने बजे छुट्टी होगी। गले में मत कर, जीप में डाल, जीप में, जीप नीचे कर, मुंह नीचे कर। Hey guys, good morning, welcome back to my new vlog. आज है शनिवार और अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 और बाहर से हम लोग आ गए थे बिजनौर और आज के जो ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रहा हूँ अपने घर से कर रहा हूँ। फिलहाल आज शनिवार है, अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ कहाँ जाना है क्या करना है, अभी तो मम्मी ने नाश्ता लगा रखा है, नाश्ता करते हैं। तो आ गया मैं इस वाले रूम में और अभी इन्होंने पता नहीं देखो ये लिए हैं, टिफिन लिया है चाची ने और तुमने क्या लिया, इनका भी टिफिन है। तो ये चीज इन्होंने खरीदी, किस चीज के बदल खरीदे बताओ, पुराने जो मोबाइल होते हैं ना उनसे लिए। एक मोबाइल में ये टिफन, दो मोबाइल में ये टिफन, दो मोबाइल का है। तो चाची हो ना मोबाइल जो पुराने टूटे फूटे मोबाइल नहीं होते वैसे मोबाइल वाले, हाँ वाले मोबाइल कीपैड वाले रख रखे थे और उनके बदले टिफन ले लिया और खुश हो रहे दिखाते हुए। और इधर मम्मी ने अपना काम स्टार्ट कर दिया जगह तोड़ना, बाकी नाश्ते ये लगा दिया। आज नाश्ते में ये क्या है, भिंडी की सब्जी, अच्छा करेले और मक्के की रोटी, जो मक्के हम पहाड़ से लाए थे रोटी शेक और वो बादाम छुहारे। तो अब करते हैं नाश्ता और फिर दिन में देखते हैं क्या करना है। तो दोस्तों दोपहर के 12 बज गए हैं और अब मैं जा रहा हूँ मनु कुन्नू को लेने जा रहा हूँ और आज स्कूटी है नहीं, शिल्पी लेके जा रखी है स्कूटी, तो गाड़ी से जाना पड़ेगा सेंट्रो से। और ये खड़ी मेरी हमारी सेंट्रो, अब यार पंचर है तो माई गॉड तो पंचर है भाई, ये देखो टायर फ्लैट पड़ा बिल्कुल, देखना पूरा पंचर पड़ा है टायर तो। ये क्या हुआ, मैं वही कह रहा हूँ टेढ़ी सी लग रही है ना यार, गाड़ी टेढ़ी हो रखी है, मम्मी को बताना पड़ेगा अब टियागो लेके जानी पड़ेगी। ये तो बड़ी प्रॉब्लम वाली बात हो गई है भाई। मम्मी सेंट्रो है पंचर, पंचर खड़ी है साइड, अब मुझे लेके जानी पड़ेगी टियागो। पंचर कैसे, मुझे क्या पता कैसे टेढ़ी होकर खड़ी है पंचर बिल्कुल। तो सेंट्रो की चाबी रख के ले आया टियागो की चाबी और टियागो में ना अभी जिस दिन पहाड़ से आया उस दिन तेल कम था, अब ये देखना पड़ेगा कि तेल है जाने लायक कि नहीं। और गंदी भी देखना पूरी हो रखी है, बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है, देखना पूरा सारा धूल धपाट, ये देखना पत्ते, गाड़ी कम और ये कूड़ादान ज़्यादा लग रही है, कितने पत्ते हो रखे हैं यार। गाड़ी के लिए कवर मंगाना पड़ेगा बहुत ही जल्दी, रास्ते में वाइपर चला दूँ स्क्रैच आ जाते हैं शीशे पे और वो लोग मेरा वेट करेंगे भाई, जल्दी चलो जल्दी चलो। और इस चीज़ की बात कर रहा था मैं, वो देख रहे हो आप तेल का बिल्कुल एंड पे है, डिप 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 कर रहा है, तो इसलिए कह रहा था इसमें तेल कम है, इसमें तेल कम ही हो जाता है। आते टाइम मैंने डलवाया नहीं था, मैंने सोचा था बिजनौर जाकर डलवा लूँगा, अब देखते हैं मनु कुन्नू को तो ले ही आए, उसके बाद देखते हैं कल डलवाएंगे, शाम को डलवाऊंगा तेल जब मम्मी के साथ मार्केट जाऊँगा। और वो देखो बादल आ रखा है उधर, कितने काले बादल आ रहे हैं, तो साइड से मौसम बनता हुआ आ रहा है बारिश का, तो बारिश ही पड़ने वाली है कुछ बहुत देर में। चले भाई मनु कुन्नू को लेके आते हैं। मुझे क्या लग रहा है कि छुट्टी काफी देर की हो गई, क्योंकि बच्चा कोई भी आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा और अब बसें जा रही हैं स्कूल की, ये देखिए सामने मॉडल एडा पब्लिक स्कूल, वो दोनों वो खड़े वो उधर नहीं है। नमस्ते, लेट हो गए बहुत, 15 मिनट स्कूल खाली हो गया। हाँ सॉरी मेरा बाबू, देख कितनी देर वेट करना पड़ा, कल पेपर है तेरा, आज का दो दिन की छुट्टी, आज का पेपर कैसा गया, बेकार है वैसे तो, ठीक ठाक गया, क्यों ठीक ठाक क्यों गया, इसका पेपर आज का ठीक ठाक गया, तभी तो थोड़ी देर और वेट कर जाओ, उतर उतर। और तेरा कैसा गया, मेरा तो भैया अच्छा ही गया, अच्छा गया भैया, ने वेट करना पड़ेगा आज, सॉरी मनु सॉरी कुन्नू भाई, अब मैं तो आ रहा था तुम्हारी मम्मी ने कही लेट छुट्टी होगी यार, आज 35-40 का मिला। सो भैया ले आया मैं इन लोगों को और बारिश का मौसम होने लगा धीरे धीरे, आज कितनी देर वेट करना पड़ा था आप कर अपनी मम्मी से कहना, चलो कितनी देर वेट करना पड़ा था बताओ, तेरी मम्मी के वैसे ले गए, तेरी मम्मी ने कितने बजे छुट्टी होगी, मैं मम्मी भैया की कॉल आ गई थी ना, एक वो इंग्लिश में बोल रही थी मैडम को, अरे तू तेरा नौकर ले रहा है क्या यार, तो ये गुस्सा हो रही थी वहाँ, ऐसे मैंने कहा जब खाली हो गया तो कल चले झाड़ू लगा दे, बात तो सही है सही बात है, झाड़ू लगा लेती बेचारा, झाड़ू लगाने वाला वैसे भी पेपर देने के बाद शकल दिखा अपनी, शकल एकदम झाड़ू लगाने वाली लगती है, झाड़ू लगाने के लिए ठीक है,
आज के बाद जब भी लेट हो तो झाड़ू लगा लेगा स्कूल में, अपने तो अपने पड़ोस वाले स्कूल में भी लगा लेकर। अब मौसम देखो इनके आने से कैसा काले सिया बादल आ गए, अब तुम्हारे जवे कैसे सूखेंगे। हाँ वही करना पड़ेगा। ये देखिए इस लड़के को गेम खेल रहा, कौन सा गेम खेल रहा है एक बार बता। गेमिंग चैनल मेरा आने वाला था लेकिन गेम ये खेल रहा है। तो सब खेलेंगे। बढ़िया चल रहा है रिमोट। हाँ अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। पढ़ाई लिखाई बंद करके गेम ही खेला जाए। हाँ वो मुझे लग रहा है। अभी ट्यूशन से आया गेम खेलने लगा। सो मैं भी बैठ गया था, अभी दिया जला के आया हूँ बाहर, क्योंकि आज शनिवार था तो दिया बत्ती करके आया हूँ। और ये देखिए ये शिल्पी मेरे लिए क्या लाई है, तो पॉपकॉर्न इसने लिए थे थोड़ी देर पहले, मेरे लिए बचे हैं। बाकी भुट्टे, भुट्टे हम लेके आए थे गाँव से, आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा गाँव से भुट्टे तोड़े थे हमने, तो ये रहे। और उबाले हुए थे कुछ, तो कल क्या करा था, उबाले थे भुट्टे को, मोस्टली भुट्टे उबाल दिए थे, उबाले खाए थे तो वो तो खत्म हो गया, भून भून के खा रहे हैं। तू भी खाएगी? तू भी खाएगी? और तो और मैंने भूने। अच्छा देखो नमक एकदम बढ़िया से लगा रही है मम्मी, नमक और काला नमक है, काला नमक लाएंगी, काला नमक और नींबू लगा के एकदम बढ़िया से भुट्टे खाते हैं। उसके बाद मैं सोच रहा हूँ मैं मार्केट जाऊँ, क्योंकि मुझे कुछ सामान वगैरह लेके आना था। तो स्कूटी से नहीं जाऊंगा मैं, जाऊंगा साइकिल से या अपनी गाड़ी से। बस लो भुट्टा जो है। तो भैया जाऊंगा मार्केट, मार्केट से सामान लेके आना मुझे कुछ दो। ये है देखो भैया भुने भुने। गांव में था जब चाची के, वहां भी बहुत सारे खाए, कल भी खाए और आज भी, आजकल हम रोज का रोज ही भुट्टे खा रहे हैं, कुछ उबले हुए कभी, उबले हुए कभी भुने हुए। और ये महाराज तो भुट्टे उट्टे से कोई मतलब नहीं, ना गेम खेलना है। और रिंकू नहीं खेल रहा? रिंकू अभी तो आया ट्यूशन से, आएगा रिंकू भी आएगा जोड़ीदार। तो यहाँ पे एक चैलेंज कर रही है शिल्पी रिंकू के साथ। रिंकू खड़ा हो, खड़ा हो जल्दी, नहीं रिंकू रिंकू खड़ा हो। ये नींबू है खट्टा सा, इसे नमक लगाएगी और रिंकू के मुंह में आ भैया। इधर आ, इधर आ, इधर आ, तेरी ऐसी कम ऐसी आ कर तो हट भाई, तेरा भी नंबर आएगा। ज्यादा सा डालिए बस, कुछ नहीं हुआ। अब आ गया कुन्नू सीट पे, नमक लगा ज्यादा सा, लगा ज्यादा सा भैया, मजा आया। चैलेंज चल रहा, चैलेंज चाची भी आ गई, चैलेंज देख कर गले में मत कर, जीभ में डाल, जीभ में, जीभ नीचे कर, मुंह नीचे कर, मुंह नीचे कर, जीभ में डाला छोड़, रुक जा, घुटना नहीं, घुटना नहीं, मुंह में ऐसे घुमा जीभ को। क्या हो गया? कड़वा कड़वा सा हो रहा था। मुंह दिखा, मुंह दिखा। मजा नहीं आया? नहीं मेरे नहीं, मम्मी के, मम्मी के, मम्मी के, सेल्फी सेल्फी के, सेल्फी के, सेल्फी जरा सेल्फी जल्दी आ। अब तो मुझे बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ब्लॉग की कसम दे दी। अब विभू तू खाएगा क्या? विभू की हालत खराब हो जाएगी। सो भैया शाम की चाय भी आ गई है और नीचे समोसे भी आ रखे हैं, समोसे पार्टी हो रही है हमारी, समोसे चाय। और देखो सब लोग बैठ गए, ये देखिए पूरे लोग, चाचा भी आ गए थे ऑफिस से। तो किस खुशी में पार्टी हो रही है बताओ, समोसे पार्टी? ये नल्ली की बर्थडे की पार्टी है। अब नल्ली कौन है ये तो बताओ। बॉय मामा का लड़का, ये बॉय मामा का लड़का है, बड़ा वाला नल्ली, उसके बर्थडे हुआ था तो उसकी पार्टी दी है मामा ने, समोसे विद चाय, शाम का स्नैक्स में चल रहे हैं। तो दोस्तों आ गया बाहर, समोसे वमोसे खा के एकदम बढ़िया, थोड़ा डाइजेस्ट कर लूं क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद डिनर भी करना है। तो बाहर घूम रहा हूं मैं, और आजकल क्या हो रखा है कि सितंबर का लास्ट ही चल रहा है, अब ठंडा सा मौसम होने लगे, मतलब सुबह शाम ना हल्का हल्का ठंडा स्टार्ट हो गया, दिन में तो दबा के गर्मी पड़ रही है। थोड़ी बहुत देर बाद मैं सोच रहा हूँ कि मैं मार्केट भी जाऊँ। अरे देखो किसकी साइकिल चला रहा तू? ये वीवो की साइकिल चला रहा है, क्या शौक चढ़ा हुआ तुझे? समोसा डाइजेस्ट कर रहा है क्या? वही मैं कह रहा था, डाइजेशन चल रहा हूं रात को। कर ले कर ले। तो थोड़ी देर बाद सोच रहा हूँ मार्केट जाऊँ या ना जाऊँ, पक्का पता नहीं, क्योंकि मेरा ना एकदम मैंने ऊपर तक फुल हो गया, समोसे खा लिए, दो समोसे खा लिए, पेट भर गया।
तो अब घूमते हैं थोड़ी देर, उसके बाद जाके डिनर वगैरह करेंगे। तो दोस्तों इस ब्लॉग का यहीं पर करते हैं, इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए, अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कल मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट बाय बाय, टेक केयर।